यूपी के कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली से हुए हादसे के बाद यातायात निदेशालय ने एडवाइजरी जारी की है। मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रचार प्रसार के विभिन्न साधनों जैसे पीआरवी वाहनों मुनादी लाउडस्पीकर इत्यादि से आमजन से ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य मालवाहक साधनों में बैठकर सफर न करने और जलसे जुलूस मेले दशहरे आदि में ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवारी कर जाने की रोक लगा दी है। साथ ही अपील की है कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवारियों को बैठाकर ना ले जाएं। साथ ही अगर कोई ट्रैक्टर ट्रॉली या चालक नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो ट्रैक्टर ट्रॉली पर यात्रा करती हुई भीड़ और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देखिए लगातार ये पर्व का त्यौहार है और अभी नवमी चल रही है, आज महानवमी का कार्यक्रम है, उसके अतिरिक्त कल दशहरे का कार्यक्रम है, तो बहुत ही श्रद्धालु जो हैं उनकी काफ़ी भीड़ रहेगी। स्पेशली जो हमारी मुख्य रामलीला है जो लाजपत नगर है, लाइन पार की रामलीला है उनमें, और इसके अतिरिक्त छोटी छोटी और भी रामलीलाएँ हैं, इनमें सब जगह उपयुक्त फोर्स लगाया गया है। कल स्पेशली दिल्ली रोड पर ट्रैफिक की व्यवस्थाएँ प्रॉपर रहेंगी, कुछ जगह वन भी किया जाएगा, पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त अग्निशमन की प्रॉपर हमने व्यवस्था 24/7 कर रखी है, छोटे छोटे जितने भी वहाँ पे लोग अपनी दुकानें स्टॉल्स लगा रखी हैं उनको भी हमने गाइडेंस करी है कि किस प्रकार से करना है। इसके अतिरिक्त वहाँ पे एंटी रोमियो है, बाकी QRTs हैं, जैसे कि विदित है कि ये सेंसिटिव टाइम है तो इस टाइम PAC और RAF हमारे जनपद में है, उनको भी डिप्लॉय किया गया है। और किसी भी प्रकार से मेन हमारा उद्देश्य है कि ये जितने भी श्रद्धालु हैं सुगमता के साथ और हर्षोल्लास के साथ अपना त्यौहार मना सकें, और इसी में हम लोग ये कार्य लगातार लगे हुए हैं। सर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जितनी भी रामलीलाएँ चल रही, जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें सब में पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, और जितनी भी उनमें बड़ी हैं उनमें सारी जो मुख्य व्यवस्थाएँ वो कराई गई हैं।